हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं अशोक और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में दोस्तों आज की जो डिक्टेशन है वो नब्बे शब्द प्रति मिनट की होगी दो दोस्तों चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी पाँच सेकंड बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर न केवल अपने कोमा बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने का काम किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा विराम इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफार्म क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही विराम एक तरह से उन्होंने वही कहा कोमा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है विराम कांग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन पर यह आरोप लगता है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं विराम दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिश की कोमा वह लिपापोती के अलावा और कुछ नहीं कोमा क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को न केवल दुखद करार दिया कोमा बल्कि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की आस जगाई विराम क्या उनके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो विचार दिग्विजय सिंह के हैं कौमा वही कांग्रेस के भी हैं विराम वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग लाइन ली थी विराम भले ही दिग्विजय सिंह और कुछ अन्य लोग अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देखें कोमा लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभव नहीं विराम यह ठीक है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देने में देर नहीं की कौमा लेकिन भेदभाव को बढ़ावा देने कौमा अलगाव की भावना पैदा करने और आतंकवाद को हवा देने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली की बातों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता विराम इस अनुच्छेद की बहाली की उम्मीद करने वाले एक तरह से दिवास्प ही देख रहे हैं विराम यदि अनुच्छेद 370 के मामले में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी होती है तो वह अपनी बची कुची राजनीतिक हैसियत को और कमजोर करने का ही काम करेगी विराम समझना कठिन है कि कांग्रेसी नेता रह रह कर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं कौमा जो देश विरोधी ताकतों के मन की मुराद पूरी करते हैं इस मामले में दिग्विजय सिंह का कोई जोड़ नहीं विराम वह कभी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं कोमा कभी जाकिर नाइक जैसे उन्मादी तत्व के साथ मंच साझा करते हैं और कभी मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं विराम उन्हें यह एहसास हो जाए तो बेहतर कि उन्होंने 370 की बहाली की बात करके देश का अहित ही किया है विराम दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल सकें थैंक यू दोस्तों